दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं हूँ आरुति और इस प्रोग्राम में आगे हमारे साथ कौन बात करेंगे ये जानते हैं। सर आपका नाम बताएं। दिनेश जैन। सर कितने टाइम से स्टोर चला रहे हैं आप? छह साल से। इससे पहले सर क्या करते थे? इसके पहले भी दुकान थी अपनी दूसरी, वहाँ बैठते थे। बेसिकली बिजनेस ही आप करते हैं? हाँ, शुरू से 20 साल हो गए, करीबन 21 साल हो गए। सर आपका यही था सपना? यही देखा था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और बनना चाहते थे? नहीं, शुरू से बिजनेस का ही था अपना। तो सर सपना तो हो गया है सच, जो चाहा वो मिल भी गया है। मैडम, इसके अलावा सर क्या ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक अधूरी है, क्या और चाहते हैं जीवन में हासिल करना? जीवन में तो यही है कि बच्चों की पढ़ाई सही हो जाए, बच्चे आगे बढ़ जाए, तरक्की करे। कितने बच्चे सर? दो बच्चे। तो क्या चाहते हैं, पढ़ा लिखा करके जॉब करें या आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करें? बिजनेस। अपने मतलब बिजनेस को ही आप चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ मिलकर के आगे? बिजनेस में अच्छा मिल जाता है, नौकरी में तो गिने चुने पैसे आते हैं जी, बिजनेस में अच्छा निकल जाता है। ऑलराइट, तो आप चाहते हैं कि आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करें और खूब सारा पैसा कमाएं। तो दोस्तों, इनका जो सपना था वो इन्होंने पूरा किया है, अपना खुद का बिजनेस इन्होंने सेटल किया, उस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और अब चाहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ करके अपने बिजनेस को संभालें, उसे ग्रो करें और बहुत सारा पैसा कमाएं ताकि ये सब लोग अपने सपनों को पूरा कर पाएं। और दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम बताएं। सर कितने टाइम से कर रहे हैं ये काम टेलरिंग का? 20 साल से कर रहे हैं। 20 साल से कर रहे हैं। तो सपना सर आपके जीवन का क्या था, क्या बनने का सोचा था? अब जीवन में क्या काम ही धंधा नहीं चल रहा, क्या जीवन में क्या सोचा हुआ क्या था सर? आपने जो सोचा वो हुआ पूरा? सोचा हुआ जो तो पूरा अधूरा है। तो सर आगे किस तरह की कोशिश करेंगे अपने सपने को पूरा करने की? काम धंधा अच्छा चले और क्या, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा चले बिजनेस, अभी तो काम धंधा खाता में मंदा चल रहा है अभी। बिल्कुल मंदा चल। चलिए, तो सर काम की तो बातें होती रहेंगी, इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें तो कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक अधूरी है? ख्वाहिश तो कोई अधूरी नहीं है। अधूरी नहीं है। चलिए, संतुष्टि सर पूछी जाए जीवन से कितनी है तो क्या कहेंगे? जीवन से अच्छा है और क्या, जीवन बढ़िया है, मतलब खुशहाली है। चलिए, तो कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ी सी शिकायत है कि काम जो है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन वक्त है, परिस्थितियाँ बिजनेस में अप डाउन लगे रहते हैं, तो काम भी आगे अच्छा चलेगा और आगे अब इनसे जानते हैं। सर आपका नाम बताएं। कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं सर? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। तो आपने क्या सोचा था जीवन में, क्या करना चाहते थे? कुछ तो सोचा होगा ना? कुछ नहीं सोचा था। चलिए, खुशहाली है जीवन में, इतना तो बता सकते हैं। सब कुछ सेटिस्फेक्शन है, अच्छा है, बढ़िया है। बढ़िया। चलिए, इनकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है और बहुत ज्यादा कुछ इन्होंने ना पहले सोचा था ना अभी सोचा था, बस एटीट्यूड ऐसा है कि चल रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे अब ये टेलर साहब हमारे साथ थे, इनसे जान लेते हैं। सर आपका नाम बताएं। हंसराज वर्मा। कितने टाइम से कर रहे हैं सर काम ये? 20 साल। 20 साल से कर रहे हैं। तो सर आपने क्या सोचा था अपने जीवन में, सपना हर सोचा था? खूब था, सब अरमान खत्म। क्या खूब सोचा था वही सोचा था कि अपन आगे बढ़े, बीवी बच्चों को अच्छा रखे, अच्छा पाले, क्योंकि ये लॉकडाउन लगा जब से तो हमारी जिंदगी बेकार है। वो तो सर सभी पे इफेक्ट आया है कहीं ना कहीं, तो उसके बाद ना काम धंधे ना कुछ समझ के बाहर है, मतलब तो कहीं ना कहीं परेशानी काम धंधे को लेकर के है, सब काम धंधे के ऊपर ही सारा मामला। बिल्कुल। इसके अलावा सर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आगे आप पूरी करना चाहते हैं? समय एक सा नहीं रहता, बदलेगा, चेंज होता बात है। तो क्या आगे के लिए सोचा हुआ है? आगे लिए सोचते हैं कि सब कुछ होना चाहिए, अपने पास घर भी हो, मकान हो, काम धंधे होंगे तो मकान भी होंगे, किराए से हम रहते हैं तो किराया दे देंगे, थक गए हम जी। कब तक देंगे, बीवी बच्चों को पालेंगे या हम क्या करें जी? बिल्कुल, तो सोचते रहते हैं, ये वाली बात हो तो क्या करें। बिल्कुल, तो बहुत सही और एकदम सटीक बात उन्होंने कही कि जब तक इनकम सोर्स आपके पास बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक परेशानियां बनी रहेगी। तो इनकी ख्वाहिश ऐसी कि काम धंधा जो है इनका वो पटरी पर आ जाए ताकि बेहतर इनकम इनकी हो सके, बेहतर पैसा इनके पास हो तो अपना खुद का ये घर खरीद सके, परिवार वालों को सारी सुख सुविधाएं दे सके, उनके सपनों को पूरा कर सके। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे अब इनसे रूबरू होंगे। सर आपका नाम बता दें। मोहम्मद सलीम। कितने टाइम से कर रहे हैं सर ये सिलाई का काम? सर मुझे 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो सर आपने क्या सोचा था अपने जीवन में? जीवन जब आप तो बहुत कुछ सोचा था, सोचने को था। क्या सोचा था वही बहुत कुछ जानने आए सर। घर का कारोबार हो, घर का बिजनेस हो, बच्चे पढ़े लिखे हैं, मकान वकान वगैरह हो, मगर थोड़ा बहुत रहा, थोड़ा बहुत बना, मगर वो जो सोचा था वो पूरा हो नहीं पाया। पूरी तरह से मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुआ। चलिए, तो आगे के लिए सर कौन सी ऐसी बड़ी ख्वाहिश है अभी मन में? अभी कुछ भी नहीं है, बस बच्चे है कि पढ़ रहे हैं, नौकरी लग जाए तो अच्छी बात है। कितने बच्चे हैं सर? दो बच्चे हैं। तो उन्हें आप चाहते हैं कि नौकरी वगैरह लग के पढ़ाई तो करवा दी उनकी, मगर अब गवर्नमेंट नौकरी दे तब है जी। बिल्कुल। तो स्ट्रगल जैसा कि आप जानते हैं लोगों की लाइफ में होता है, इनकी लाइफ में भी है और ये चाहते हैं कि परेशानियां जो इन्होंने फेस की वो इनके बच्चों को फेस ना करनी पड़े, तो उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें लिखा रहे हैं ताकि वो बच्चे काबिल बन करके उनके खुद के सपनों को तो पूरा करें ही और कहीं ना कहीं इनके जो अधूरे सपने हैं उन्हें भी पूरा करने में मदद कर सके। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं हूँ आरुति और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आइए विन से बात करते हैं। सर आपका नाम?
शीतल प्रसाद जैन। सर कितने टाइम से काम कर रहे हैं ये बर्तनों का? 2020 से। 2020 से, तो उससे 2002 से। 2002 से आप कर रहे हैं, चलिए लंबा समय सर हो गया इस बिजनेस को। तो सर क्या लगता है आपको, कितनी संतुष्टि जीवन का जो सफर रहा आपका, उतार चढ़ाव भी आए होंगे, अब किस स्टेज पर आकर क्या लगता है संतुष्टि कितनी है? ठीक है, दाल रोटी मिल रही है, उससे और ज़्यादा संतुष्टि होती भी क्या है जी। बहुत बढ़िया बात कही है सर आपने। इसके अलावा अगर ज़्यादा मिलेगा तो भी वो दूसरों के लिए ही कमा के खाए जी, ये लिमिटेड ही कमाते हैं, लिमिटेड खाते हैं, यानी खुश हैं जो चल रहा है उसमें। तो सर सपनों की अगर बात करें तो कितने सपने ऐसे हैं जो पूरे हुए और क्या क्या अधूरा रह गया? कोई सपना अधूरा नहीं है, जीवन के सारे सपने पूरे हो चुके। 5 लड़कियाँ हैं, 5 की शादी हो चुकी है, 1 लड़का है उसकी भी शादी हो चुकी, यानी जिम्मेदारियों से भी अब फ्री हो गए हैं। तो सर कोई ख्वाहिश है ऐसी छोटी मोटी भी मन में? कोई ख्वाहिश नहीं, अब तो सिर्फ हरिद्वार जाने की ख्वाहिश है। चलिए, तो इनका जो सपना था जीवन में वो इन्होंने पूरा किया, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से इन्होंने जीवन भर काम किया, अपनी सारी जिम्मेदारियों को इन्होंने बखूबी निभाया, और जो ख्वाहिश थी वो बस इतनी ही रही कि दाल रोटी चलती रहे। तो ईश्वर ने जिस तरह से इन्होंने इच्छाएं की उससे बेहतर इन्हें दिया, उम्मीदें इनकी सारी पूरी हुई और खुशहाल ही अपने जीवन में है। तो आगे प्रोग्राम में कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनकी लाइफ में कितनी खुशहाली है। और दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अब इनसे जानते हैं आपका नाम। संतोष। मैडम कितने टाइम से काम कर रही हैं ये चूड़ी की दुकान है आपकी? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए हैं, तो क्या लगता है आपको जीवन का जो अनुभव रहा, किस तरह का सफर रहा, कितने सपने पूरे हुए? दाल रोटी मिल रही है, खा रहे हैं, खुश हैं जीवन से, या कोई शिकायत है, कुछ मलाल है? खुश है और क्या। और आगे के लिए क्या सोचा, कोई ऐसा सपना है या कोई ऐसी ख्वाहिश जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आगे के लिए क्या, बच्चों की शादी हो जाए बस, बच्चों की शादी करने भी बाकी है। चलिए, तो इनकी जो बड़ी ख्वाहिश है वो ये है कि इनके जो बच्चे हैं उनकी अभी शादियां करना चाहते हैं, इसके अलावा काम इनका बढ़िया चल रहा है, जीवन में खुशहाली है। और दोस्तों प्रोग्राम में हूँ, आरती को आगे बढ़ाते हैं, आगे कुछ और लोगों से जानते हैं उनकी लाइफ की खास बातें। तो सर सबसे पहले तो नाम बताएं अपना। मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। ओके, तो सर कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप टेलरिंग का? मुझे लगभग 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, तो सर क्या सोचा था आपने जीवन में, सपना क्या था आपका? मेरा तो यही सपना था कि मैं अपना और अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा कर सकूं और समाज में अपना नाम कमा सकूं। जी। तो आज मेरी यहाँ पर 2 शॉप हैं, एक इस जगह ही है रामदेव मंदिर के पीछे और एक क्रेशर रोड पे है। तो क्या लगता है सर आपको, जो सोचा, जो सपने देखे, वो कितने परसेंट तक पूरे हुए हैं अभी तक? तो जो मैंने सोचा है ऊपर वाले ने मुझे दिया है, हाँ देर सवेर तो हुआ है, पर बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से। हाँ, मुझे जो चाहता, जो सब कुछ मिला, तो है उम्मीदें सारी मतलब पूरी। हाँ, बिल्कुल एकदम। इसके अलावा सर आगे के लिए अब क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हम करते ही रहते हैं, तो आगे के लिए भी कुछ सोचा होगा, कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसे पूरी करना चाहिए? देखो, मैं तो एक बात जानता हूँ कि जो ऊपर वाला जब मुझे यहाँ लेके आया है, इस मुकाम तक लेके आया कि आज मैं दुकानदार हूँ, मेरा मान सम्मान है, मार्केट में प्रतिष्ठा है, तो जब वो मुझे यहाँ लेके आया तो आगे भी उसी की इच्छा से जाऊँगा मैं। क्या बात है। तो मैं अपने जीवन से निराश नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ और संतुष्ट हूँ कि मेरे साथ 2 आदमी मेरे साथ रोजगार कर रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। तो इनका जो मानना है वो बहुत सही है और बहुत सही इनका विश्वास है कि ईश्वर ने जब इनके सारे सपने पूरे किए तो आगे भी वो इनकी सारी उम्मीदों को पूरा करेंगे। और इनका जो सपना था वो था कि बेहतर काम करें, अपना नाम करें, तो वो भी हुआ, लोगों को इन्होंने काम भी दिया और समाज की बेहतरी के लिए भी अभी ये काम कर रहे हैं। और आगे अब इनसे जान लेते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल सलाम है। सर कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं आप? मेरे को लगभग 30 साल हो गए। 30 साल हो गए, तो सर क्या सोचा था आपने जीवन में? जीवन में क्या काम करना है, मैंने दुकानदारी भी करी है जी। फिर उसके बाद में अभी दूसरे की जो दुकान पे ही जॉब कर रहा हूँ, तो अब तो करीब सिर्फ टाइम पास है, मैंने कहा कर लेते हैं अपना, 300-400 रुपए का काम भी आपने किया और अब आप जॉब भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है बेहतर क्या है दोनों में से? दोनों में से बेहतर तो यही है कि भाई दुकानदारी भी करके देख लिया मैंने, लेकिन दुकानदारी में क्या है कि पैसा मतलब बराबर आता नहीं था जी। अब क्या है, दूसरी दुकान पर अपन काम करते हैं तो उनने क्या अपन की मजदूरी बन जाती है, यानी कि आपको लगता है जॉब करना ज्यादा बेहतर? जॉब कर रहे हैं। चलिए, तो सर आपके जीवन की अगर बात करें तो कितने सपने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए? नहीं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब काम अच्छा हो गया, दोनों तीनों बच्चों की शादियाँ कर दी जी। और अपना चल रहा है, अब तो खाली टाइम पास। अब तो क्या है उम्मीद, अब तो बच्चे कर रहे हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों कंपनी में लगे हुए हैं, कर रहे हैं और अपन तो टाइम पास है, 300-400 रुपए का काम कर लेते हैं। चलिए, तो इनके लाइफ के तजुर्बों से इन्होंने ये जाना कि लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं और अपना बिजनेस किया, आज जॉब भी कर रहे हैं और लगता है कि जॉब में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, तो ये अपना काम कर रहे हैं, खुशहाल है अपने जीवन में और चाहते हैं कि लाइफ इसी तरह से चलती रहे। और दोस्तों प्रोग्राम में आइए, आगे अब इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? लीलाराम महावर। सर कितने टाइम से काम कर रहे हैं ये? 22 साल। 22 साल से, तो आपने क्या सोचा था अपने जीवन में? जब तक जीना, जब तक इसी ना अपन को।
तो काम यही सोचा था कि टेंडिंग ही करेंगे या कुछ और सोचा हुआ था? काम तो कुछ और सोचा था, पर क्या करें, पढ़ाई क्या करना चाहते थे? मैं जॉब करना चाहता था, पढ़ लिख के कोई जॉब तो करें। ओके, तो पढ़ाई लिखाई क्या अधूरी रही, पूरी हुई, क्या रहा? नवी पढ़ के छोड़ दिया। नवी पढ़ के छोड़ दिया, तो अब जो काम कर रहे हो उससे संतुष्टि है या कभी लगता है पढ़ाई लिखाई की होगी तो बेहतर होगा? बाकी ये है कि भविष्य में कुछ और कर लेंगे, फिलहाल तो कर रहे हैं, फिलहाल मिल रहा। तो भविष्य के लिए कुछ और प्लानिंग भी आपके पास है? चलिए, तो क्या सर अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग? बिजनेस तो करना पड़ेगा क्योंकि मजदूरी में वो बात नहीं है। चलिए, तो बिजनेस करना चाहते हैं, इसके अलावा और कौन सी ख्वाहिश है जो आगे पूरी करना चाहते हैं काम के अलावा? सर बताएं, निजी जिंदगी, खुद का मकान होना चाहिए, अभी भाड़े पे रहते हैं। क्या बात है, तो घर का सपना है, अपने आशियाने का सपना है, और हर आम इंसान का यही सपना होता है कि अपना खुद का घर हो जिसे वो बड़े ही प्यार से सजाए। तो ऐसा भी इनका सपना है, अभी जॉब कर रहे हैं लेकिन आगे चाहते हैं कि अपना खुद का बिजनेस हो, बहुत सारा पैसा ये कमाए, बड़ा अपना बिजनेस कर पाए, ताकि इनके जो सपने हैं और इनके परिवार के जो सपने हैं वो बेहतर तरीके से पूरे हो पाए। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे अब इनसे रूबरू होते हैं, जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में, तो सर नाम बताएं। मेरा नाम ईश्वर सिंह कुमार। तो सर, कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं आप? मैम, मुझे हो गया इस बिजनेस को करते हुए तकरीबन 7 साल। तो उससे पहले सर क्या किया करते थे? उससे पहले मेरा मोबाइल शॉप थी, श्री कृष्णा मोबाइल के नाम से। ओके, तो मोबाइल शॉप थी, उसके बाद आपने फील्ड चेंज किया, तो सर सपना यही रहा हमेशा से? नहीं नहीं, सपना तो मेरा मतलब हर बार अलग करने का, अभी कुछ सोच रहा हूँ फिर चेंज करने का सोच रहा हूँ। क्या बात है, यानी अलग अलग तरह से मतलब हर 4-5 साल में चेंज करता रहता हूँ जी। तो सर, कई बार ऐसा होता है लोग की जो रिस्क लेने से डरते हैं या जो बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया उससे फिर वो चेंज नहीं करना चाहते, तो क्या रीजन है आप ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं? कोई रीजन नहीं है, बस ये शौक है मेरा। शौक है आपका। चलिए, तो सर सेटिस्फेक्शन अगर पूछा जाए अलग अलग तरह के आपने बिजनेस किए, एक्सपीरियंस भी लिए, कितना सेटिस्फेक्शन है? मैडम देखिए, इसके बारे में क्या बताऊँ, देखिए फिर भी नॉर्मल है, संतुष्टि है सर जीवन में। ओके, तो कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसा सपना काम के अलावा बताइएगा आप सर, अपनी निजी जिंदगी से क्या ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक अधूरी है? देखो, ख्वाहिश तो अधूरी है ही सही और रहेगी भी सही। क्या है सर ऐसी ख्वाहिश? वो देखो, एक बार मेरे को थाई जाना है। अच्छा, बस। तो सर अधूरी तो ऐसी नहीं है कि ख्वाहिश अधूरी रहे ही है, कोशिश करेंगे तो पूरी होगी। कोशिश तो करते हैं, बाकी हो नहीं रही ना। चलिए, तो उम्मीद है सर हमें नहीं छोड़नी है, और इनका जो सपना है वो इन्होंने पूरा किया, बिजनेस करने का सपना था, और साथ ही एक्सपेरिमेंटल नेचर के ये व्यक्ति हैं, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस के साथ, चेंज करते रहते हैं, और इन्हें जो पसंद है वही ये करते हैं, साथ ही इनका जो सपना है उसे पूरा करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनका जो सपना है वो पूरा हो सके। आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं हूँ हाड़ोती, और इस प्रोग्राम में हम जानते हैं आम लोगों के जीवन की खास बातें, तो अब इनसे हम जान लेते हैं ये क्या शेयर करना चाहते हैं। सर नाम बता दें अपना। दीपक जोशी। सर, कितने टाइम से काम कर रहे हैं? 17 साल। 17 साल से फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया है? हाँ? फैमिली बिजनेस को ही आपने ज्वाइन किया है? हाँ। ओके, तो क्या सपना था जीवन में, यही सोचा था कि बिजनेस करेंगे या कुछ और आपने सोचा हुआ था? सपना तो बिजनेस ही करना, क्या करना, यही सपना था। तो पूरा होने की शुरुआत तो हो गई अपना खुद हुआ था, पूरा होता खत्म भी हो गया। पूरा हुआ खत्म भी हो गया, और क्या। तो सर अभी तो चल रहा है ना ये जो काम आप कर रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे इसे? बढ़े तब है ना, ऑनलाइन में खत्म कर रखा काम हमारा। चलिए, ये तो बिजनेस में सर चलता रहता है अप डाउन, तो हम सभी जानते हैं। इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो सर, हॉबीज क्या क्या है, क्या शौक है आपके? कुछ भी शौक नहीं है। फ्री टाइम मिलता है तो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, मोबाइल चलाता है, गाना सुनते हैं। मोबाइल चलाकर गाना सुनते हैं, हमने देखा गाने आपने अभी भी चला रखे हैं। तो फेवरेट सिंगर कौन है सर आपका? जिसका मन पड़े, जिसका। अच्छा, किसी का भी सुन लेते हैं, बस अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, और गाते भी है सर, कभी गुनगुनाते हैं? गुनगुनाते। चलिए, इनका जो शौक है वो है गाने सुनना, और इसके अलावा अपना बिजनेस ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने काम को कर रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं भी और नहीं भी हम कह सकते हैं, लेकिन कोशिश इनकी जारी है कि अपने बिजनेस को ये आगे बढ़ाएं, बड़ा करें और अपने सपनों को पूरा कर पाएं। और दोस्तों, प्रोग्राम कब आगे बढ़ाते हैं, एक छोटी सी दोस्त हमारे साथ प्रोग्राम में, इनसे बात करते हैं, नाम बताएं अपना। राधिका। राधिका, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? फोर्थ में पढ़ती हैं। तो क्या सोचा है, क्या बनेंगी बड़ी होकर के, सपना क्या है? पुलिस बनेंगी। ओके, तो क्या अच्छा लगता है आपको पुलिस के बारे में? नहीं पता है। तो किसने इंस्पायर किया आपको पुलिस बनने के लिए? पापा और मम्मा ने। ओके, तो पुलिस बनने का आपका सपना है। इसके अलावा शौक क्या क्या है आपके, क्या करना पसंद करती जब छुट्टियां होती स्कूल की? मतलब पेपर होते तो पढ़ाई तो लगती मम्मा। अच्छा, पढ़ाई करने का शौक है, इतनी सी उम्र में खेलना कूदना और मौज मस्ती करना, शैतानी करना पसंद नहीं है? मस्ती करती है घर पे भाई बहनों के साथ में, फिर पिटाई होती है? ज़्यादा कौन डांटता, मम्मी या पापा? मम्मा ज़्यादा डांटती है। तो दोस्तों, ये जो है
छोटी सी उम्र में इनका सपना है कि पुलिस बने, ये इनका जो जज्बा है वो आया है इनके पेरेंट्स से, उन्होंने इन्हें इंस्पायर किया है और कोशिश कर रही हैं कि अपने सपने को पूरा करें। हालांकि उम्र इनकी बहुत छोटी है लेकिन सपने जो हैं वो ज़रूर इनके पूरे होंगे। प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। और दोस्तों प्रोग्राम में आज हमने कई सारे लोगों से ढेर सारी दिलचस्प बातें की, उनकी लाइफ के बारे में जाना, और इसी तरह से लोगों से मिल करके उनके मन की बात हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो आज के एपिसोड में तो इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए लोग और उनकी नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए निशा को, नमस्कार।